आज हम बात करेंगे पाइलोनिडल साइनस सिस्ट ये होती क्या है, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। जय स्वामीनारायण। पाइलोनिडल साइनस एक होल होता है, एक मोरी होती है और नॉर्मली ये टेल बोन के आसपास मिलती है जिसमें से नॉर्मली पस या ब्लड आता है। अगर इसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, रेशा इकट्ठा हो जाता है तो हम इसको पाइलोनिडल सिस्ट या पाइलोनिडल एब्सेस भी कहते हैं। पाइलो मीन्स हेयर, नाइडल्स मीन्स नेस्ट, यानी कि बालों का गुच्छा। नॉर्मली इस सिस्ट के अंदर, साइनस के अंदर हमें बालों का गुच्छा मिलता है, कुछ बाल मिलते हैं, तो इसी से इसका नाम पाइलोनिडल साइनस पड़ा। अब ये होता किन में है और होता क्यों है इसके बारे में जानेंगे। ये नॉर्मली यंग एज ग्रुप में मिलता है, 15 से 25 30 साल के यंग एज ग्रुप में, क्योंकि ये नॉर्मली जैसे टेल बोन पे होता है तो ज़्यादा बैठने की वजह से वहाँ पे थोड़ी इरिटेशन होती है, इन्फेक्शन होती है, तो ये साइनस या पाइलोनिडल सिस्ट बन जाती है। नॉर्मली जो ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, इनएक्टिव लाइफस्टाइल होता है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, और हेयर्स बाल उस एरिया में, बैक एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनमें ये नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। हमें प्रॉब्लम्स क्या होंगी, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ये पाइलोनिडल साइनस है, सिस्ट है, क्योंकि नॉर्मली लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं, डॉक्टर के पास हमारे पास बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले उस एरिया में पेन रहेगी, इरिटेशन रहती है, अगर कोई देखेगा तो वहाँ पे उस एरिया में, टेल बोन के एरिया में रेडनेस रहती है और हाथ लगाने से आपको गिल्टी, कोई सिस्ट भी महसूस हो सकती है, और फीवर बहुत कम होता है। कुछ केसेस में आपको मोरी नज़र आएगी जिसमें से पस निकल रही है या ब्लड निकल रहा है, और कई बारी हेयर्स भी नज़र आते हैं उसमें से निकलते हुए। फीवर बहुत कम चांसेस होता है, रेयर होता है फीवर, नॉर्मली नहीं मिलता है ऐसे पेशेंट्स में। तो ये नॉर्मली प्रेजेंटेशंस रहती हैं, अगर ये बैक पे, लोअर बैक पे आपका टेल बोन के एरिया के आसपास ये प्रॉब्लम्स हैं तो हो सकता है कि आपको पाइलोनिडल साइनस या सिस्ट की प्रॉब्लम हो। अब इसका डायग्नोसिस कैसे है, इसको हमने पता कंफर्म कैसे करना है कि हमें पाइलोनिडल सिस्ट या पाइलोनिडल साइनस है। तो बेस्ट डायग्नोसिस इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको एग्जामिन करेगा और आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्नोसिस देगा कि आपको पाइलोनिडल सिस्ट है या साइनस है। इसके अलावा नॉर्मली कोई भी इन्वेस्टिगेशंस की रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती है और भी किसी इन्वेस्टिगेशंस की। अगर आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है, बार बार हो रहा है और काफ़ी समय से है, डॉक्टर एक्सपेक्ट करता है या उसको लगता है कि ये इसका कम्युनिकेशन और कहीं से भी हो सकता है, तो उन केसेस में, बहुत रेयर केसेस में आपको वो इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस कर सकते हैं, वो डॉक्टर एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपको प्रॉपर एडवाइस देंगे। ट्रीटमेंट ऑफ पाइलोनिडल साइनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इसका ट्रीटमेंट है, नॉर्मली 90% पेशेंट्स डॉक्टर के पास लेट प्रेजेंट करते हैं। जिस स्टेज पे पेशेंट डॉक्टर के पास प्रेजेंट करता है उस स्टेज में नॉर्मली 90% केसेस में आपको सर्जरी की ज़रूरत होती है, और सर्जरी बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पाइलोनिडल साइनस और द पेशेंट। सो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, अगर कोई डॉक्टर आपको एडवाइस करता है सर्जरी तो आप यू शुड गो फॉर सर्जरी, अगर कोई एक्सपर्ट डॉक्टर है तो आपको इसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ब्रीफली हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट होता है कंजर्वेटिव, इनिशियली जब पेशेंट हमारे पास आता है, पस पड़ी होती है, एब्सेस होती है, अगर एब्सेस कलेक्शन है उसकी ओपनिंग नहीं बनी है तो हम छोटा सा लोकल एनेस्थीसिया में उसको कट देके पस बाहर निकाल देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, लोकल क्लीनिंग कंटिन्यू करते हैं, और मेजोरिटी केसेस में, इनिशियल स्टेजेस में ये हील भी कर जाता है, तो ये इसको कंजर्वेटिव है, दैट इज विदाउट सर्जरी। दूसरा है सर्जिकल, जब पेशेंट एंटीबायोटिक ले लेता है, क्लीनिंग करता है, परंतु ओपनिंग बंद नहीं होती है, पस, हम उनको सर्जरी एडवाइस करते हैं। अब बेसिक सर्जरी जो इनिशियल स्टेज में रहती है वो है कि ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी में क्या रहता है कि हम जो सारा जख्म होता है, सिस्ट बनी हुई है, उसको हम कंप्लीट एक्साइज कर देते हैं, निकाल देते हैं, और उसका जो जख्म बनता है, अगर बहुत छोटा जख्म है तो हम उसको स्टिचिंग भी, सूचर भी लगा देते हैं, उसको बंद भी कर देते हैं। अगर थोड़ा बड़ा जख्म है, डीप है, तो हमें उसको ओपन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि रेकरेंस के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि एरिया ऐसा है, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती है, दोबारा रेकरेंस के चांस बढ़ जाते हैं। और आज का लेटेस्ट जो है लेज़र सर्जरी है,
लेजर सर्जरी में कहा रहता है कि जो अंदर का गंदा मास है पहले हम क्लीनिंग कर देते हैं जख्म को, उसमें एक्सरसाइज नहीं करते, जो लेजर पहले क्लीनिंग करके उसको क्यूरेट करके और लेजर से जो म्यूकोजा होता है अंदर का गंदा टिश्यू होता है उसको बर्न करके क्लीन कर देते हैं। इसमें रहता क्या है कि जख्म बहुत छोटा बनता है और पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली सर्जरी के बाद पेन भी बहुत कम होती है। इसमें बेसिक समझने वाली बात यह है कि लेजर सर्जरी और ओपन सर्जरी में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये रहता है कि ओपन सर्जरी में जख्म बड़ा बनता है, पेनफुल रहता है और ड्रेसिंग एग्रेसिवली करनी पड़ती है, किसी एक्सपर्ट से करवानी पड़ती है, डॉक्टर से करवानी पड़ती है। लेजर सर्जरी में जख्म बहुत थोड़ा बनता है, ऑलमोस्ट पेनलेस रहता है और आप घर पे भी ड्रेसिंग्स कर सकते हैं। हीलिंग टाइम दोनों में सेम रहता है, अगर 2 या 3 महीने जख्म को भरने लगने हैं तो लेजर में भी उतना ही टाइम लगेगा और ओपन सर्जरी में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो ये बेसिक समझने वाली बात है। और सर्जरीज हैं, फ्लैप सर्जरीज होती हैं, रोटेशन फ्लैप्स होते हैं, डिफरेंट फ्लैप्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है। नॉर्मली वो लॉन्ग पाइलोनिडल साइनस हो, सिस्ट हो, कॉम्प्लिकेटेड पाइलोनिडल सिस्ट हो या रिकरेंस बार बार हो रहा है, तो उन केसेस में हम फ्लैप सर्जरी एडवाइस करते हैं। तो लास्ट में हम बात करेंगे कि हम इसको आपने सर्जरी करवा ली है और डॉक्टर हमेशा आपको कहेगा कि इसके रिकरेंस के चांस रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है कि सर्जरी कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर करे, कोई भी करे, किसी भी मेथड से करे, रेकरेंस के चांस हमेशा रहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि होता क्यों है, ये ज़्यादा बैठने से होता है और वहाँ पे हेयर्स हों ज़्यादा, आपका वेट ज़्यादा हो, आपका लाइफस्टाइल इनएक्टिव हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, तो इन वजह से होता है। तो अगर आप फ्यूचर में इन बातों का ख्याल रखेंगे, अपना क्लीनिंग प्रॉपर रखेंगे और हेयर्स को रिमूव करेंगे और एक्टिविटी रखेंगे तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और ये दोबारा नहीं होता है। ये बात रहती है, लोगों का कॉमन क्वेश्चन रहता है कि ये रीढ़ की हड्डी में तो नहीं जा रहा, ये नहीं, रीढ़ की हड्डी में कभी नहीं जाता है, बहुत रेयरली जाता है। अगर आप इसको निगलेक्ट करोगे, ये ऊपर स्किन में ही रहता है तो इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहती और पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। तो बिना घबराए हुए आपको अगर डॉक्टर सर्जरी एडवाइस करता है तो यू शुड गो फॉर सर्जरी। जय स्वामी नारायण।